हेलो एवरीवन, फिर से और एक नई रेसिपी के संग आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आम के सीजन है और ऐसे ही एक आम की रेसिपी आप सबने घर पे अभी तक नहीं बनाए हैं तो जरूर से बना लेना। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बनाए पक्के आम का ये स्वीट डिजर्ट रेसिपी को, जो एक बार खाएगा ना इसका स्वाद कभी भी नहीं भूलेगा। और ये बनाना भी बहुत इजी है, 5 मिनट में आप इसको घर में बना सकते हो। इसको बनाने के लिए ना ही हमें चाशनी चाहिए और ना ही मिल्क पाउडर, ना ही मावा और ना ही मिल्क मेड। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको मिनटों में बना सकते हो और इसका स्वाद जो है ना बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है। एकदम मुंह में देते ही खुल जाने वाले ये स्वीट डिजर्ट आप अगर घर पे एक बार बनाओगे ना तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना है। तो चले दोस्तों, आज का रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप जितना सूजी लिए हैं। आप मोटे वाले या पतले वाले कोई सा भी सूजी ले सकते हो। तो सूजी को मैं पहले मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको एकदम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे जार का जो यूज़ किए हैं उसी में डाल देंगे। और ये देखो दोस्तों, मेरा सूजी का जो है ना एकदम फाइन सा पाउडर बना लिए है। एकदम इसी टाइप का फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। अभी गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दिए हैं। पैन में जो सूजी का पाउडर हमने अभी बना के रखे थे ना उसी को डाल देंगे और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए चला के भून लेंगे, थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सूजी के अंदर थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाता है ना वो चला जाएगा। अभी 2 मिनट के बाद सूजी को मैं नीचे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने आम लिए हैं। आज का ये रेसिपी आम से बनाएंगे ना पक्के आम, तो यहाँ पे मैंने दोनों पक्के आम ले लिए हैं। दोस्तों आप कोई सभी पक्के आम ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है आम जो लेना है ना वो थोड़ा मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आम का जो सामने का मुंह रहता है ना इसको काट के फेंक देंगे और आम को नाइफ से एकदम बीज बराबर काट देंगे और इसका जो साइड है ना साइड को काट के निकाल लेंगे। इसी टाइप का मैं बाकी और एक आम को भी काट लेंगे और इसका एकदम चम्मच से जो आम का पीसेस रहता है ना अंदर उसको निकाल के एक मिक्सर जार में लेते जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह मैं बाकी सारे आम का पीसेस को चम्मच से निकाल लेंगे और मिक्सर जार में ले लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अभी क्या करेंगे, मिक्सर जार में थोड़ा पानी डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना और आम का एकदम फाइन सा प्यूरी बना लेंगे। तो देखो हमारा ये आम का प्यूरी बन के रेडी हो गया है। अभी दोबारा उसी गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दिए है और पैन के अंदर आम के सारे पल्प को डाल देंगे और इसको एकदम मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए चला के भून लेंगे, चला के पका लेंगे, भूनना नहीं है पका लेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं आधा कप जितना चीनी डाल दूंगी। तो दोस्तों आपका आम थोड़ा ज़्यादा मीठा है तो आप उसी हिसाब से चीनी को डालना। और यहाँ पे देखो, चीनी को भी पल्प के संग अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद चीनी को अच्छे से पिघलने के लिए छोड़ देंगे एकदम मीडियम फ्लेम में। दोस्तों जब तक हमारा ये चीनी मेल्ट हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू फ्रेंड्स हो तो आपके ये प्यारा से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो दोस्तों, मेरा यहाँ पे चीनी भी मेल्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच जितना नारियल का पाउडर दे देंगे या फिर नारियल का बूरा डाल देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं जितना सूजी लिया था ना उतना ही दूध डाल देंगे, यानी आधा कप सूजी लिए तो आधा कप दूध, 1 कप सूजी लेंगे तो 1 कप दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे दूध को भी आम के पल्प के संग अच्छे से मिक्स कर देंगे और एकदम मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। आम का पल्प और दूध एक सब मिक्स होकर जब देखोगे उबल जाए, जब इसमें थोड़ा थोड़ा बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, तब जो हमने सूजी को रोस्ट करके रखे थे पहले वो सूजी को अभी इसी टाइम तुरंत डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम में सूजी को मिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फ्लेम को लो पे रखना है, नहीं तो सूजी जो है ना बहुत जल्दी मॉइस्चर को सोख कर लेगा और ये बहुत ही टाइट बन जाएगा, तो हमारा रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखो दोस्तों, 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, सूजी जो है ना बहुत ही जल्दी ये मॉइस्चर को सोख कर लिए है और थोड़ा पहले से थिक भी हो गया है। अभी यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जितना घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, सूजी का ये मिश्रण बहुत ही जल्दी हमारा पैन को छोड़ देगा और ये बहुत ही जल्दी रेडी होके आ जाएगा। तो इसको अच्छे से और 1-2 मिनट के लिए मिक्स करके पका लेंगे। देख सकते हो दोस्तों, हमारा सूजी जो है ना एकदम पैन को छोड़ दिया है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके ये मिश्रण को मैं नीचे प्लेट में निकाल के रख देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसको हाथ से अच्छे से टच कर पाए। तो इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। तो देखो 2 से 3 मिनट के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। देखो हमारा ये सूजी का मिश्रण बहुत ही ठंडा हो गया है। अभी इसको ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हाथ में टच कर पाए इसी टाइप का ठंडा कर लेंगे। फिर इसमें से थोड़ा सा उठा लेंगे और दोनों हाथ में इस टाइप का
दबा के बॉल कर लेंगे और बीच में रख के इसको थोड़ा सा चपटा करके रोल टाइप का शेप दे देंगे और इसको इस टाइप का दबा के दोनों हाथ से दबा के उंगली से दबा के अच्छे से इसको शेप देंगे। तो दोस्तों देखो बन के रेडी हो गया है मेरा एक सूजी का ये स्वीट रेसिपी। और एक रेसिपी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो दोस्तों दोबारा इसमें से थोड़ा उठा लेंगे और हाथ में दोनों हाथ से इसको अच्छे से दबा के रोल कर लेंगे और इसको बीच में रख के दबा दबा के एकदम सा प्यारा सा शेप दे देंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है दोस्तों। तो देखो मेरा और एक ये मिठाई बन के रेडी हो गया है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, हलवा टाइप का भी खा सकते हो या फिर ऐसे मिठाई भी बना के खा सकते हो। तो अभी इसको मैं और भी बढ़िया सा टेस्ट और लुक देने वाले हैं। तो इसके लिए देखो मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा नारियल का बूरा पहले से ले रखे हैं, इसी के अंदर ये मिठाई को डिप कर देंगे, अच्छे से इसको कोटिंग कर देंगे। तो देखो दोस्तों कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है। दोस्तों यकीन मानिए बाजार का जो महंगा महंगा मावा खोया का मिठाई मिलता है ना, उससे भी खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों आप भी घर पे एक बार ये मिठाई को जरूर बनाना और कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में न्यू फ्रेंड्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।